लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। मैं थोड़ा सा इंगेज भी था कल से, और फिर मेरी आंख लग गई और नींद पूरी नहीं थी, लेकिन उठते ही मुझे एक बैड न्यूज मिली और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। इससे पहले भी कई बार काफी अरसे से सैफ भाई हॉस्पिटलाइज होते रहे, उनकी तबीयत में अप्स एंड डाउन आते रहे, लेकिन उनको पब्लिक इसलिए नहीं किया गया कि बस ऐसी मखलूक है कि जो अल्लाह माफी दे किसी की बीमारी का भी तमस्खर उड़ाते हैं। लेकिन अभी जो मुझे पता चला वो ये है कि सैफ भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, उनका बीपी शूट कर गया, शुगर शूट कर गई, और वो इस वक्त आईसीयू में है। और बैकग्राउंड का जो मुझे पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बजाहिर अपने हैं, लेकिन बस उनकी डिमांड्स ही खत्म नहीं हो रही कि जी बस हमें तो देना, हम मर गए, हम रुल गए, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमें पैसे दें, बस दें और दें, अभी दें, और बस आज अगर आपने पैसे ना दिए तो पता नहीं कौन सी क्यामत जो है वो टूट पड़ेगी। और वो इस हद तक वो स्ट्रेस में गए कि पिछले 3-4 रोज से खासतौर पे उनकी तबीयत डे बाय डे ज्यादा से खराब होती जा रही थी। और सैफ भाई इस वक्त जो है वो आईसीयू में है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। तमाम अहबाब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे। और ऐसे जितने भी अहबाब हैं कि जिन्होंने, जिसे कहते हैं कि उनका जीना हराम किया हुआ है, मुझे तो आज कुछ थोड़ी सी चीजें सामने आई हैं, पता चला है, तो उनसे मैं दस्तबस्तर रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा कुछ थोड़ा सा होश के नाखन ले लें। अगर उस शख्स को कुछ हुआ तो मुझे ये बता दें कि ये लाखों अफराद जो है वो कहां जाएंगे। तो थोड़ा सा ख्याल कर ले, थोड़ा सा लिहाज कर ले। वही शख्स है जिसके साथ आपका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, आपने उसको अब्बा जी भी कहा, आपने उसे मोहसिन पाकिस्तान भी कहा, पता नहीं कौन कौन से खिताबात आपने दिए। मुझे मजबूरन ये सारी गुफ्तगू करनी पड़ रही है क्योंकि सुन के मुझे एक अचानक एक बड़ा एक धचका सा लगा कि वो शख्स आज आईसीयू में चला गया। और अब वो मखलूक जो ये कहती है कि हमें उसकी एक एक मोमेंट पे नजर है, वो मुझसे ये नहीं पूछेगी कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। तो खुदारा थोड़ा सा ख्याल कर ले, इस हद तक मत जाए कि अल्लाह ना करे ये लाखों खानदान जो है ये आपको बददुआएं दें। अगर मुझे कोई फर्दर अपडेट मिला तो मैं यकीनन वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो तमाम अहबाब से खुसूसी दुआ की दरखास्त है। थैंक यू वेरी मच।